व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए अब डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर के आएंगे, यानी कि रोजाना के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी कड़ी में आज 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आए हैं, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि हम इस वीडियो को सुबह अपलोड नहीं कर पाए थे, दैट इज वाई हम आपके लिए 3 अप्रैल के साथ ही 2 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट ओवर करंट अफेयर्स भी हमने इसमें जोड़ दिए हैं टू मेक इट डाउन टू 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। तो इससे पहले कि मैं सेशन को आपके साथ स्टार्ट करूं, मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी के सेशंस जो हैं वो भी हमारे चैनल पर पैरेलली चल रहे हैं, दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय प्रियंका मैम। एंड ऑडियो बुलेटिन हमारी जो है रोजाना की न्यूज एंड अपडेट्स की, वो भी रोजाना हम अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसे भी आप सुन सकते हैं, एंड दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय मिस पिंकी जोशी। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। मेरा नाम अखिलेश है और मेरे साथ इस कंटेंट को डेवलप किया है गौरव सेमवाल ने। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे। वर्ल्ड बैंक ऑफर्स $1 बिलियन फॉर प्रपोज्ड इंडिया कोविड-19 एमरजेंसी। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसने वैसे कि इंडिया के साथ साथ 25 डेवलपिंग नेशंस जो हैं उसको हेल्प करने का प्रॉमिस किया है, एंड इट विल सपोर्ट बाय गिविंग $1.9 बिलियन ओके टू सपोर्ट 25 डेवलपिंग नेशंस, जिसमें से कि लार्ज चंक ऑफ मनी $1 बिलियन अकेला इंडिया को जो है वो हेल्प की जाएगी। ओके, The current president of World Bank is Mr. David Robert Malpass, और ये हमारे डॉक्टर डेविड रॉबर्ट मालपस हैं, and the headquarter of World Bank is in Washington DC in America. Okay, let's move on to the next current affair of the day. World Athletics Championship shifted to 2022. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 का जो पेंडेमिक है उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स और जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंसेस होने वाली थी एट वर्ल्ड लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल जो है, उनको शिफ्ट करना पड़ा है टू द नेक्स्ट एयर। इसी कड़ी में जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी एक चैंपियनशिप होने वाली थी इन 2021, एंड इट वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन यूजीन ओरेगन फ्रॉम August 6 to 15, 2021, लेकिन अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है टू 2022। एंड टोक्यो ओलंपिक गेम्स, जो समर ओलंपिक्स होने वाले थे टोक्यो जापान में, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है टू इन 2021, जो कि अब होंगे July 23 और August 8 के बीच इन 2021। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कंडक्ट कराती है, और इस चैंपियनशिप में जो है जितने भी एथलेटिक इवेंट्स होते हैं वो कंडक्ट होते हैं, एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स इज सेबेस्टियन को, ठीक है, ही इज मिस्टर सेबेस्टियन को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एथलेटिक्स का वो है इन मोनाको। ओके, मोनाको याद रखिएगा, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स है, ठीक है। साथ ही साथ जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स यानी कि जो ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट कराती है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो अभी करंट जिसके प्रेसिडेंट कौन है ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, थॉमस बैक, ठीक है, थॉमस बैक हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन लॉजेन स्विट्जरलैंड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसी कड़ी में यूनाइटेड नेशंस का COP26 यानी कि COP26 जो समिट था वो भी पोस्टपोन करना पड़ा है ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, और COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती थी जिसमें कि सारे के सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो है वो मिल करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन करते थे, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात होती थी, उसको भी अब जो है आगे पोस्टपोन करना पड़ा है ड्यू टू दिस डिजीज। और इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये जो होने वाला था दैट वॉज प्लान टू टेक प्लेस फ्रॉम 9 to 19 November 2020, और ये होने वाला था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। मैं आपको बताता चलूं कि ग्लासगो जो है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इट इज नॉट द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, ग्लासगो इज द लार्जेस्ट सिटी इन स्कॉटलैंड, द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड इज एडिनबरा, याद रखिएगा। ओके, यूएनएफसीसी क्या है, यूएनएफसीसी इज दैट ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को कंडक्ट कराती है, ठीक है, एंड दैट यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म ये है, यू है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आप देख सकते हैं, और इसका जो एस्टैब्लिश हुई थी 1992 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन बॉन जर्मनी। एग्जीक्यूटिव जो सेक्रेटरी अभी इसकी है दैट इज Miss Patricia Espinosa. Okay, let's move to the next current affair. Government of India launches Arogya Setu app to track COVID-19. Very important. Note down कर लीजिए. Arogya Setu जो एक app है, Government of India ने इसे launch किया है. वैसे Government of India के current app MyGov जो है, वो भी COVID-19 के बारे में जो है awareness फैला रही है. But Arogya Setu is one that is particularly designed for tracking the coronavirus. ठीक है, जो आप ये बोल सकते हैं कि इस ऐप का जो यूज करेगा, जो भी इंसान यूज करेगा, उसे ये पता लग जाएगा कि उसके आसपास कहीं कोई कोरोना वायरस इन्फेक्टेड इंसान है या नहीं, ठीक है। एंड ये जो आरोग्य सेतु ऐप है दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसके साथ साथ एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको जो है मिलकर के इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो और जो दोनों मिनिस्ट्रीज हैं, इन्होंने इनको बनाया है इस ऐप को। और अभी हमारे करंट मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। Let's move to the next current affair.
एल दुरैयास्वामी अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुंदरम होम फाइनेंस. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सुंदरम फाइनेंस जो है इट इज अ एनबीएफसी, यानी एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. ठीक है, जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं अदर देन द नेशनलाइज्ड बैंक्स, वो कुछ कंपनीज होती हैं दैट प्रोवाइड फिक्स डिपॉजिट कार लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो सुंदरम फाइनेंस भी एक एनबीएफसी, एक लीडिंग एनबीएफसी थी जिसके की एमडी जो है वो अब एल दुरैयास्वामी जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है. ठीक है, एंड ही विल he will replace Mr. Srinivas Acharya. ठीक है, Mr. Srinivas Acharya को ये जो है रिप्लेस करेंगे. ठीक है, चेयरमैन ऑफ सुंदरम होम फाइनेंस इज मिस्टर टीटी श्रीनिवास राघवन. ठीक है, ही इज मिस्टर टीटी श्रीनिवास राघवन एंड ही इज मिस्टर एल दुरैया स्वामी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे. वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 2nd अप्रैल. ठीक है, 2nd अप्रैल का मैंने आपको बताया था कि हम कुछ जोड़ देंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसके साथ ही. तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ऑटिज्म आप जानते हैं एक डिसऑर्डर होता है, दैट इज अ बिहेवियरल और यू कैन से अ कम्युनिकेटिव डिसऑर्डर जो मोस्टली जो चिल्ड्रन में फाउंड किया जाता है. एंड वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो यूएन जो है उसको ऑब्जर्व करती है ग्लोबली ऑन 2nd अप्रैल. ठीक है, और अभी मैं आपको बताता चलूं कि ये इंपॉर्टेंट जो आते हैं एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट अवेयरनेस डे. ठीक है, तो ये जो थीम थी इसकी वो थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड. ओके, ये इसकी थीम थी. एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज मिस्टर अंटोनियो ग्वेटरेस. ओके, मिस्टर अंटोनियो जो ग्वेटरेस हैं, ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड ही इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे. अब जैसे मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिनको पोस्टपोन करना पड़ा है, जिनको कैंसिल करना पड़ा है, उसी में से एक विंबलडन भी एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला था. द विंबलडन 2020 हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोरोना वायरस. और मैं आपको बताता चलूं कि ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम यानी कि चार इंपॉर्टेंट जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जिन्हों मेजर भी कहा जाता है टेनिस की भाषा में. और वो होते हैं, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक यूएस ओपन एंड एक विंबलडन जो यूके में होता है. ओके, तो उसको भी अब पोस्टपोन करना पड़ा है ड्यू टू दिस पैंडेमिक. और अभी इससे पहले आपको पता था कि पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्रेंच ओपन भी हुआ था जो कि मई में होने वाला था, बट हैज बीन रीशेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 24th अक्टूबर दिस ईयर. ओके, अच्छा, तो अभी जो है मैं आपको बताता चलूं कि विंबलडन जो है वो टेनिस वर्ल्ड में इट इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड एंड इट हैज बीन हेल्ड इन ऑल इंडिया क्लब इन विंबलडन लंडन सिंस 1877. ठीक है, अभी करंट चैंपियन हमारे नोवाक जोकोविच, ही इज ऑफ सर्बिया और ये इनका 5th टाइटल था. ओके, लेट्स मूव टू द SBI lists $100 million green bonds on India INX. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़ा, यू कैन से द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसने $100 billion के ग्रीन बॉन्ड्स को इंडिया INX पे लिस्ट किया है. ठीक है, अब ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, ग्रीन बॉन्ड आप वैसे तो डिटेल में जो है आप यू कैन फाइंड इट ऑन आवर प्रेजेंटेशन पूरा पढ़ सकते हैं आप, बट ग्रीन बॉन्ड मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, दे आर अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट और ये जो है दे आर हेल्पफुल इन रेजिंग मनी फॉर दोज प्रोजेक्ट जो क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए दे आर लाइक अ मनी रेजिंग जो है, यू कैन से दे हेल्प इन रेज मनी फॉर दीज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, और इसका जो मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर SBI ने अपने $100 million अबाउट 750 crore के ग्रीन बॉन्ड्स को लिस्ट किया है. ओके, नाउ हेडक्वार्टर्स ऑफ SBI इज इन मुंबई महाराष्ट्र. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द चेयरमैन ऑफ SBI इज मिस्टर रजनीश कुमार. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. फोन पे जो कि इंडिया की बहुत बड़ी एक पेमेंट ऐप जिसको आप कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है, इट हैज लॉन्च्ड कोरोना वायरस इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना केयर. ठीक है, तो फोन पे अलॉन्ग विद बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने लॉन्च किया है एक हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका नाम है कोरोना केयर. ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ पे प्रेजेंटेशन पर. एंड द फोन पे वॉज फाउंडेड इन December 2015. दिस इज इंपॉर्टेंट. फोन पे के CEO कौन है, समीर निगम. द CEO ऑफ फोन पे इज मिस्टर समीर निगम हेयर इन द फोटोग्राफ. ओके, द हेडक्वार्टर्स ऑफ फोन पे इज इन बेंगलुरु कर्नाटका. तो इंपॉर्टेंट है कोरोना केयर का जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है ऑफ फोन पे अलॉन्ग विद बजाज अलियंस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है. ओके, इसकी फुल फॉर्म आपके पास आ सकती है कवच. ओके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रूव्स टू सेटअप रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर, दैट इज कवच. ओके, कवच की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद COVID-19 हेल्थ क्राइसिस. ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में. दे विल गिव यू 5 ऑप्शंस, उनमें से एक होगा
करेक्ट वन एंड यू विल हैव टू रिमेंबर इट, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। ठीक है, अब ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर है दैट हैज बीन क्रिएटेड टू सपोर्ट द पोटेंशियल स्टार्टअप। जितने भी पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं, जितने भी इनिशियल जो अभी ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है, ऐसी जो कंपनीज फॉर्म अप हो रही है जो कि कोविड-19 से कॉम्बैट टैकल करने के लिए काम कर रही है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ फंड डिप्लॉय करेगा उन लोगों के लिए। ठीक है, एंड इट इज यूनियन गवर्नमेंट की एक तरह से एक रिस्पॉन्स सेंटर है ये कवच, एंड इट हैज बीन सेट अप एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 56 करोड़ एट सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, साइन आईआईटी बॉम्बे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर has offered its volunteer cadets for national duty to fight COVID-19 under exercise NCC योगदान। बहुत important, exercise NCC योगदान, NCC के जितने भी cadets हैं जो 18 years and above हैं उनको deploy किया जाएगा for distribution of relief materials, medicines, food, essential commodities, community assistant, data management, queue and traffic management। इन सब में इनकी help ली जाएगी हमारे cadets की who are above 18 years of एज एंड हु आर अ पार्ट ऑफ एनसीसी। ठीक है, इन सब की हेल्प ली जाएगी। आपको पता है कि पुलिस पर्सनल एंड बाकी जो हमारे डिफेंस जो पर्सनल है वो तो लगे हुए हैं, बट साथ साथ जो हमारा एनसीसी है वो भी अब योगदान देगा हमारा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम रखा है एनसीसी योगदान। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इंडियाज नेवल डॉकयार्ड डिजाइन्स लो कॉस्ट टेम्परेचर सेंसर गन्स। ठीक है, हमारे भारतीय नेवी जो है उसका एक नेवल डॉकयार्ड, मुंबई में जो नेवल डॉकयार्ड है उसने इन्वेंट किया है, उसने बनाया है अपना खुद का एक इंफ्रारेड बेस्ड टेम्परेचर सेंसर गन। ये सेंसर गन आप कई बार देख चुके हैं जो फीवर नापता है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पर भी सेंसर गन का उपयोग किया जाता है टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। और यहाँ पर इंडियन नेवी के नेवल डॉकयार्ड ने अपना खुद का एक जो है इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एंड दिस वॉज मैन्युफैक्चर्ड एट लेस देन ₹100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम जो है इन्होंने इसकी कॉस्ट में ये जो है मैन्युफैक्चर कर दिया है, एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड इन द मार्केट। अभी जो मार्केट में करंटली है उससे भी बहुत ही कम, उसका एक फ्रैक्शन जो है कॉस्ट इसका लगा है बनने में, एंड द एक्यूरेसी ऑफ द टेम्परेचर गन इज 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेंसर गन है दे विल यूज इट टू स्क्रीन ऑफ देयर ओन पर्सोनल्स। ठीक है, अपने जो डिफेंस इनके जो अपने जो ऑफिसर्स हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको जो स्क्रीनिंग करने के लिए ये टेम्परेचर गन का उपयोग कर सकते हैं। एंड द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी करंटली हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एडमिरल करमबीर सिंह, ही इज मिस्टर एडमिरल, ही इज एडमिरल करमबीर सिंह, आई एम सॉरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब कुछ बात करते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज की हु हैव पास्ड अवे रिसेंटली, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था, एंड वन ऑफ देम इज पद्मश्री अवार्डी भाई निर्मल सिंह। ठीक है, भाई निर्मल सिंह ही वॉज, यू कैन से ही वॉज अ गुरबानी एक्सपोनेंट, यानी कि गुरबानी परफॉर्म करते थे एट गोल्डन टेम्पल। ठीक है, और बहुत ही जो है एक जाने मानी हस्ती थी वहां पर, एंड ही वॉज ऑल्सो हजूरी रागी एट गोल्डन टेम्पल। ठीक है, हजूरी रागी थे ये गोल्डन टेम्पल में भाई निर्मल सिंह, और कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से जो है ही पास्ड अवे। ओके, अब मैं साथ ही साथ आपको बताता चलता हूं कि सीएम ऑफ पंजाब कौन है। सीएम ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, एंड ही इज फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, एंड द गवर्नर ऑफ पंजाब इज वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के नाम हम ऐसे ही करंट अफेयर्स में आपको देते चलेंगे, यू विल हैव टू रिवाइज इट ऑल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट पर्सनैलिटी डिसीज इज एमी अवॉर्डी एंड सिंगर एंड सॉन्ग राइटर एडम श्लेसिंजर। ओके, एडम श्लेसिंजर जो है ही ऑल्सो पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19। देखिए, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आ सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से किन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जो कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं हू पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19, उनमें से एक है एमी अवॉर्डी एडम श्लेसिंजर, और जो कि आप कह सकते हैं एक सिंगर भी थे, एक सॉन्ग राइटर भी थे, एंड ही वॉज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ 2000s पॉप रॉक बैंड फाउंटेन्स ऑफ वेन। ठीक है, ही इज मिस्टर एडम श्लेसिंजर। ओके, नोबेल लॉरिएट फिलिप एंडरसन पासेस अवे। ठीक है, नोबेल प्राइज ये मिस्टर फिलिप जो एंडरसन थे, ही वॉज अ फिजिसिस्ट एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1977 अलॉन्ग विद नेविल फ्रांसिस मॉट ऑफ ब्रिटेन एंड अमेरिकाज जॉन हैसनब्रॉक। ओके, वैन ब्लैक, अमेरिका के जॉन हैसनब्रॉक, वॉन ब्लैक और नेविल फ्रांसिस मॉट के साथ इन्होंने जो है फिजिक्स में अवार्ड जीता था, नोबेल प्राइज जीता था इन 1977। ठीक है, तो ही ऑल्सो पास अवे रिसेंटली, ही डिडंट पास अवे विद कोविड-19। ठीक है, ये अलग है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस विद आवर सेशन। ठीक है,
ऐसे ही हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे रोजाना। आप हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करिए हमारे वीडियोस को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके, आपके जो जो बाकी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन लेवल की वो भी इसका फायदा उठा सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं नव्या लर्निंग के, और हमारे को फॉलो कर सकते हैं ऑन हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑन टेलीग्राम। ओके, इस पूरे जो प्रेजेंटेशन है उसका पीडीएफ के फॉर्म में एक जो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उससे भी रिविजन कर सकते हैं। दिस इज अखिलेश साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच।